नमस्कार, लीडिया में आपका स्वागत है। कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के बीच बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे 24 मार्च की देर रात जारी हो गए हैं। इस वर्ष कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम में कुल मिलाकर 80.44% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले साल 79.76% स्टूडेंट ही पास हुए थे। परीक्षा के परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड सभी बोर्ड में सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर अव्वल बना है। पिछले साल की तुलना में रिजल्ट 3 दिन पहले जारी किया गया है। बिहार बोर्ड रिजल्ट इस प्रकार हैं। बिहार बोर्ड इंटर साइंस के 77.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स में 93.26% स्टूडेंट पास हुए हैं। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में 81.44% स्टूडेंट पास हुए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको ओपन करना है, आप डायरेक्ट यूआरएल में डाल सकते हैं, सरकारी रिजल्ट .com। इस साइट पर आपको जाना है। जब आप इस साइट पर पहुंचेंगे तो आपके सामने ये सरकारी रिजल्ट .com खुलेगा। आप थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आएंगे तो आपके सामने BSEB इंटर रिजल्ट 2020 नजर आएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अभी ये आपके सामने इस तरह नजर आएगा। इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कई तरह के नोटिफिकेशंस आपको नजर आएंगे। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और आगे जाके आपको यहाँ डाउनलोड क्लास 12 2020 इंटर रिजल्ट, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अब अपना रोल कोड डालना है जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। रोल कोड डालने के बाद में आपको रोल नंबर डालना है। इस तरह आप रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा एंटर करना है। आपको जैसे सामने नजर आ रहा है 16+19 मीन्स आपको इसको टोटल करके यहाँ कैप्चा एंटर करना है। तो ये आपका 16 और 19 को आपको प्लस करना है। तो हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 9 एंड 6 हो गया 15 और ये हो गया आपका 35। आपका टोटल हुआ 35। अब आप इसे व्यू करेंगे तो आपके सामने जिस भी व्यक्ति का आपने रोल कोड और रोल नंबर डाला है उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ड्रैग करके आपको यहाँ प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह आप अपना रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिकांश परीक्षा बोर्ड अपनी अपनी परीक्षाएं और मूल्यांकन का कार्य स्थगित कर रहे हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के मद्देनजर परीक्षाफल की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। साइंस स्ट्रीम में नेहा कुमारी ने 95.2% के साथ टॉप किया है। इन्होंने कुल 476 अंक अर्जित किए। कॉमर्स स्ट्रीम में कौसर फातिमा तथा सुधांशु नारायण चौधरी ने कुल 476 अंक प्राप्त कर 95.2% के साथ टॉप किया है। आर्ट्स में सक्षय कुमारी ने 474 अंक लेकर 94.80% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। कोरोना के इस माहौल में कम से कम इस बार ये एक अच्छी खबर नजर आई है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।